अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ए टू जेड फूड ब्लॉगर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बीफ वाइट कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा ताकि आप भी इसी तरह से मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई बना सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 2 किलो के करीब बीफ लिया है, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो बीफ को हमने 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से धोकर आप लोगों ने देगची के अंदर डाल के इस तरह से कवर करके रख देना है। अभी इस स्टेप पर इसके अंदर कोई मसाला शामिल नहीं करना, बस बीफ लेना है, उसको देगची के अंदर डाल के मीडियम फ्लेम पर रख देना है। ये देखें, बीफ ने हमारे खुद ब खुद बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है, हमें बिल्कुल भी पानी शामिल करने की इसमें ये देखें ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले हम इसी पानी के अंदर इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। अब हमने इस स्टेप पर आकर, जब ये तकरीबन 5 मिनट पक गया, इस स्टेप पर आकर हमने इसके अंदर 3 प्याज शामिल कर दिए हैं। प्याज को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मज़ीद ऊपर से कवर करके 5 मिनट तक पकाएँगे ताकि प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। यहाँ पर हर स्टेप पर मैं कोई ना कोई मसाला शामिल करूँगी, तो आप लोग अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आप लोगों के मसाले स्किप हो जाएंगे और आप लोगों की बिल्कुल भी अच्छी कढ़ाई नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैंने खड़े मसाले शामिल कर दिए हैं, यहाँ पर मेरे पास यही खड़े मसाले थे तो मैंने यही शामिल कर दिए हैं। आप लोगों के पास जो जो हों उसके हिसाब से शामिल कर लें। आप लोग कम या ज़्यादा भी बीफ ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो लिया, ज़रूरी नहीं आप लोग भी 2 किलो लें। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, आधी चम्मच मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च की शामिल की है। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो गोश्त को जल्दी गलाने के लिए आप लोग प्रेशर में भी रख सकते हैं। एक बात याद रहे कि इसके अंदर हल्दी और सुरख मिर्च बिल्कुल शामिल नहीं करनी। यहाँ पर हमने 1 चम्मच सूखे धनिया का पाउडर शामिल किया है और साथ ही 1 चम्मच नमक की शामिल करके और यहाँ पर 1 गिलास के करीब पानी शामिल कर दिया है। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक बात याद रहे कि आप लोगों ने बिल्कुल भी हल्दी, टमाटर और साथ में सुरख मिर्च बिल्कुल शामिल नहीं करनी। पानी शामिल करने के बाद हम इसे कवर करके मज़ीद 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। जो थोड़ा सा कच्चा हो वो अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखें, पानी हमारा ड्राई हो चुका है। अब हम इस स्टेप पर आकर इसके अंदर काली मिर्च शामिल करेंगे 1 चम्मच, और एक काली मिर्च की जगह आप लोगों ने वाइट पेपर यूज़ करना है, सफ़ेद मिर्च यूज़ करनी है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है। यहाँ पर मेरे पास वाइट मिर्च नहीं थी तो मैंने काली मिर्च शामिल कर ली। तो यहाँ पर इसके साथ ही हमने इसके अंदर 1.5 कप के करीब दही शामिल की है। दही शामिल करने के साथ ही हमने इसके अंदर 4 से 5 चम्मच बादाम का पेस्ट शामिल किया है। बादाम को हमने पहले भिगो कर रखा और फिर मिक्सी के अंदर डालकर थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट बना लिया। तो वो सारी चीज़ें शामिल करके मज़ीद कोई मसाला अभी हमने इसके अंदर शामिल नहीं करना। इसको हम कवर करके तकरीबन पानी खुश्क होने तक पकाएंगे, जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता। और हमारा ये देखें, माशाल्लाह से हमारे बीफ का सारा पानी खुश्क हो गया और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत इसकी ये देखें। और अब हम इस स्टेप पर आकर हमने ये इसके अंदर गर्म मसाला शामिल किया है। अब हम मज़ीद इसकी मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि अच्छी तरह से हमारी बीफ की भुनाई हो जाए। मिलते हैं 2 मिनट भुनाई करने के बाद। जी, तो यहां पर भुनाई करते हुए हमें तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। तो इस स्टेप पर आकर अच्छी तरह से पानी खुश्क हो गया है और घी अलग हो गया है। तो इस स्टेप पर आकर हम इसके अंदर क्रीम शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने 1 पैकेट क्रीम का लिया है, आप लोगों को ये किसी भी स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। तो अच्छी तरह से, ये नहीं है कि इसके अंदर ज़्यादा ठंडी क्रीम यूज़ करनी है, रूम टेम्परेचर पर करनी है या वो करनी है, जैसी भी आप लोगों के पास क्रीम हो वो शामिल कर दें। बस बहुत ज़्यादा ये जमी हुई ना हो, बस इस तरह से हो, ठंडी हो, गर्म हो तो आप लोग की यूज़ हो सकती है। तो यहाँ पर हमने क्रीम शामिल कर दी है, तो यहाँ पर हमने 1 पैकेट शामिल किया है। तो अब हम इन क्रीम को बीफ के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर एक बात याद रहे कि फ्लेम को हमने इस स्टेप पर आकर बिल्कुल स्लो कर देना है, जैसे कि हम दम पर लगा रहे हों चावल, इस तरह से हम फ्लेम कर देते हैं। इसी तरह से इस स्टेप पर आकर हमने बीफ के नीचे फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देनी है और इसे तकरीबन 1.5 मिनट तक चम्मच हिलाते हुए पकाना है ताकि क्रीम भी थोड़ी सी पक जाए। 1.5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। जी, तो ये देखें, 1.5 मिनट तक पकाने के
के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे ताकि खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाए। बहुत ही लाजवाब बनती है, आप लोग ज़रूर, ये थोड़ी सी लाइट ऑन की है तो इस वजह से उस तरह की शेप आ रही। तो ये देखें माशाल्लाह से असल इसकी, ये देखें इस तरह से बनी है, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।